हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड मेरे यूट्यूब चैनल सिंपलीफाइड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड। सो आर यू रेडी फॉर दैट? चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होता है कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। फॉर एनी थ्री वेक्टर्स ए बी सी, मेरे कोई भी तीन वेक्टर से आपको क्या प्रूव करना है? ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए एंड ब्रैकेट्स। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ही हम क्लोज ब्रैकेट से ए बी सी में डिनोट करते हैं। सो हमें प्रूव करना है इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें? ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको हम ओपन करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और यहां तक लेके आएंगे, ठीक है, बाय डेफिनेशन। सो आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड मेरी है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यही है। सो आप ओपन करो, हमें पता है ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट टू का क्रॉस प्रोडक्ट लो, उसको सॉल्व करो और उनका डॉट प्रोडक्ट थर्ड के साथ लिखो। मींस ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी, फर्स्ट टू का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है हमें, ठीक है, और थर्ड का डॉट प्रोडक्ट लेना है। So, सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना है। सो ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी मीन्स ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस, अब बी को करो, बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, और इनका किसके साथ डॉट प्रोडक्ट है? सी प्लस ए के साथ। यस इट इज। मैंने क्या किया, ए का क्रॉस प्रोडक्ट लिया बी प्लस सी के साथ, फिर बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया बी प्लस सी के साथ, ठीक है। अब देखो बी क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने ये देखा था कि सेम का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेने का मतलब है कि जो ये दो वेक्टर्स है ये कोलिनियर हो गए, और कोलिनियर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था? जीरो। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट में देखा था। तो ये तो मेरा क्या हो गया? जीरो। सो इसको मैं हटा देती हूँ, इनको एज इट इज लिखते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस B क्रॉस C, इसका अब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं C प्लस A के साथ। सो अब मैं क्या करूंगी, A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट लेना है C के साथ इक्वल्स टू A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट ले रही हूं मैं C वेक्टर के साथ प्लस, फिर A क्रॉस B का मैं A के साथ लूंगी, ए क्रॉस बी का मैं डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ ए के साथ। मैंने यहाँ प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि इनके दोनों के बीच में प्लस है, प्लस। अब ये जो प्लस का साइन है वो नेक्स्ट वाले के लिए, ए क्रॉस सी का मैं किसके साथ दूंगी डॉट प्रोडक्ट, पहले सी के साथ फिर ए के साथ, ए क्रॉस सी डॉट सी प्लस ए क्रॉस सी डॉट ए प्लस। अब मैं B क्रॉस C का डॉट प्रोडक्ट लूंगी C के साथ प्लस B क्रॉस C का डॉट प्रोडक्ट लूंगी A के साथ, B क्रॉस C डॉट C प्लस B क्रॉस C डॉट A। अब देखो A क्रॉस B डॉट C क्या बन गया मेरा? A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर बन गया, फर्स्ट टू का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस ए क्रॉस बी डॉट ए क्या बन गया मेरा? ए बी ए प्लस, थर्ड वाला क्या बन गया?
ACC. Fourth one plus ACA plus BCC. Definition लगा दी हमने scalar triple product की plus BCA. ये आ गया मेरा. ओके ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी डॉट सी. सो मैंने इनको डिनोट कर दिया. अब हमने एक और चीज देखी थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, अगर हमारे कोई भी तीन में से कोई भी दो वेक्टर जीरो हो जाते हैं सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो. सो हमें वो सारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैंसिल करने हैं जिसमें दो वैक्टर सेम है. दो वैक्टर सेम होने का मतलब कि वो कोलिनियर हो गए. इट मीन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो. ये हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में देख चुके हैं. ओके सो अब यहाँ जाते हैं इक्वल्स टू, ये तीनों डिफरेंट है सो इसको मैं एज इट इज लिख लेती हूँ ए बी सी. ओके ए बी ए तीन वैक्टर्स में से दो वैक्टर सेम हो गए. इट मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो. अगर तीन में से दो वैक्टर्स भी सेम हो जाए तो तीनों सेम हो गए तो भी जीरो है. अगर तीन में से कोई भी दो वैक्टर्स सेम हो गए तो मीन्स कोलिनियर बना रहे हैं, कोलिनियर वैक्टर्स हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा. तो यहाँ पे ए दो बार आ रहा है तो ये क्या हो गया, जीरो. यहाँ पे सी दो बार आ रहा है तो ये क्या हो गया, जीरो. यहाँ पे ए सी ए में ए दो बार आ रहा है ये क्या हो गया, जीरो. बी सी सी बी सी सी में सी दो बार आ रहा है तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो. ये क्या है, बी सी ए. ये तीनों अलग है तो इनको लिख लेते हैं प्लस बी सी ए. ठीक है ये मेरा आ गया. आप देखिए मुझे चाहिए ट्वाइस ऑफ एबीसी. मेरे पास एक तो एक एबीसी तो आ गया. अब मुझे ये देखना है क्या इसको मैं एबीसी लिख सकती हूँ, क्या बीसीए एबीसी के इक्वल होता है. ये वैसे ये प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ, वहां पे आप रेफर कर सकते हैं. अदरवाइज हम उसी टाइम पे एक सर्कल बना के देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. आप देखिए मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है, ये मैं ए ले रही हूँ. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं ए बी सी. ठीक है ए बी सी है सो ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए टू बी टू सी. अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाएं बी सी ए में तो मैं उसको ए बी सी लिख सकती हूँ. बी सी ए देखो बी सी ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जा रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इसलिए मैं बी सी ए की जगह क्या लिख सकती हूँ, ए बी सी. तो ये मेरा क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ए बी सी, हैंस प्रूव्ड. सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट द नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग थ्री पोजीशन वेक्टर्स. पोजीशन वेक्टर्स गिवन है तीन, ए बी सी तीन पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, लाइज इन द डायरेक्शन बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी. ये आपको प्रूव करना है. ठीक है अगर मैं तीन पॉइंट्स ले लेती हूँ प्लेन में, ए बी सी मेरे कोई भी तीन पॉइंट्स हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को मैं ए वेक्टर सपोज कर लेती हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है मेरा, बी पॉइंट का बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी मेरा क्या है, सी वेक्टर. ठीक है लेट ए बी सी बी थ्री पॉइंट्स एंड ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एंड सी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी. अगर मैं ऐसे सपोज करती हूँ तो मुझे क्या प्रूव करना है कि ए बी एंड ए सी इक्वल्स टू बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, क्योंकि ए बी एंड ए सी वैक्टर जो है वो नॉर्मल होंगे प्लेन के, किस प्लेन के, जिनके पॉइंट्स है ए बी सी. ठीक है सो इसमें प्रूव करना था नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग दीज थ्री पोजिशन वैक्टर्स लाई इन दिस डायरेक्शन. तो अगर मैंने ए बी और ए सी वेक्टर ले लिए जो नॉर्मल टू दिस प्लेन है, जिसके पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी है, तो मुझे क्या प्रूव करना रह गया, दैट ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इक्वल्स टू बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी. दैट्स इट. इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको पोजीशन वेक्टर्स गिवन है. ठीक है पोजीशन वेक्टर्स गिवन है तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने पॉइंट सपोज किए हैं बस.
ए बी सी तीन पॉइंट्स है, उनके पोजिशन वैक्टर्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली, तो ए बी और ए सी मेरे वैक्टर हो गया नॉर्मल टू दिस प्लेन जिसके पॉइंट्स ए बी सी है. मुझे जस्ट ए बी क्रॉस ए सी निकालना है. ए बी क्रॉस ए सी किसके इक्वल आना चाहिए, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस सी के. अब ए बी क्रॉस ए सी, ए बी वैक्टर का मतलब क्या है, पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए. टर्मिनल माइनस इनिशियल करते हैं, सो पोजिशन वैक्टर ऑफ बी क्या है, बी वैक्टर, माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए क्या है, ए वैक्टर, क्योंकि यहाँ क्रॉस का साइन है तो क्रॉस. ए सी का मतलब क्या है, पोजिशन वैक्टर ऑफ सी, सी का पोजिशन वैक्टर क्या है, सी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए. इसे सिंप्लीफाई करते हैं, बी क्रॉस ये इसको कैसे लिख सकते हैं, बी बी क्रॉस दिस थिंग, क्योंकि यह माइनस का साइन है, माइनस ए क्रॉस दिस थिंग. सो ये क्या हो गया, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए, माइनस एज इट इज ए क्रॉस सी, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ए क्रॉस ए. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था ए क्रॉस ए जीरो होता है, ए क्रॉस ए मतलब कोलिनियर हो गए, कोलिनियर होने पे जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाता है, तो ये मेरा क्या हो गया, जीरो, तो ये तो कैंसिल हो गया. मेरा क्या बचा, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी, ये आ गया. पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे प्लस सी क्रॉस ए, प्लस प्लस साइन चाहिए और ये रिवर्स में चाहिए. क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम दो वैक्टर्स को इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है. सो अब देखो, ये b क्रॉस a है, अगर मुझे a क्रॉस b लिखना होगा तो ये माइनस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, प्लस a क्रॉस b. यहाँ पे a क्रॉस c है, मुझे c क्रॉस a लिखना है तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस c क्रॉस a. यही मुझे प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ. थर्ड क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन तीन बार एग्जाम में आ चुका है, 2001, 2009, 2016, एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी. If A cross B equals to C cross D, ये आपको condition given है, and A cross C equals to B cross D, ये भी given है, दो conditions आपको given है. आपको शो करना है A minus D is parallel to B minus C. यहाँ पे given है A not equals to D, A और D अगर equal हो गए तो zero ही हो गया, B not equals to C, B और C equal हो गए तो zero ही हो जाएगा, तो question का कोई मतलब ही नहीं बनता. ठीक है, तो आपको ये दो कंडीशंस गिवन है, आपको शो करना है ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस डी. क्रॉस प्रोडक्ट में हमने देखा था कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं या पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है. अगर मुझे इन दोनों को पैरेलल शो करना है तो अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दूं और वो मैं जीरो दिखा दूं तो मेरा काम हो गया, क्योंकि हम ये क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं उसकी प्रॉपर्टीज में, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स या तो पैरेलल है या कोलिनियर है. सो पैरेलल के लिए मैं क्रॉस प्रोडक्ट जीरो दिखा सकती हूँ. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी निकालूंगी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगी और मैं इसको जीरो के इक्वल शो कर लूंगी. उसके बाद मैं लिख दूंगी That, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो ये दोनों जो है ये पैरेलल है, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ओनली इफ दोज टू वैक्टर्स आर पैरेलल. ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी लास्ट में, पहले उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं. सो ये किसके इक्वल आएगा, इक्वल्स टू ए क्रॉस बी माइनस सी, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस डी क्रॉस बी माइनस. सो ये क्या हो गया मेरा, ए क्रॉस बी, यहाँ पे माइनस साइन है तो ए क्रॉस सी, माइनस ए क्रॉस सी, माइनस डी क्रॉस बी, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस बी क्रॉस सी. ठीक है, अब देखिए, अब ये जीरो कैसे हो सकते हैं, हमें जो कंडीशन गिवन है वो अप्लाई करके देखते हैं. ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी क्रॉस डी गिवन है,
सबसे पहले तो हमें ए क्रॉस बी की जगह क्या लिखना है, सी क्रॉस डी। सो ए क्रॉस बी की जगह मैंने लिख दिया सी क्रॉस डी। उसके बाद क्या आ गया ना, ए क्रॉस सी इक्वल्स टू बी क्रॉस डी। सो ए क्रॉस सी की जगह मुझे क्या लिखना है, बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी। ठीक है, बाय गिवन कंडीशन मैंने ए क्रॉस बी की जगह उसकी वैल्यू डाल दी, ए क्रॉस सी की जगह उसकी वैल्यू डाल दी। ठीक है, आप देखिए यहां पे है सी क्रॉस डी और यहां पे है डी क्रॉस सी। सी क्रॉस डी और डी क्रॉस सी, इसको अगर मैं सी क्रॉस डी लिखना चाहूं या इसको मैं चेंज करना चाहूं, सी क्रॉस डी को मुझे डी क्रॉस सी लिखना है। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम चेंज करते हैं वेक्टर्स को तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ डी क्रॉस सी। ठीक है, मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे सी क्रॉस डी से डी क्रॉस सी को कैंसिल करना है, इसलिए मुझे यहाँ पे सी क्रॉस डी की जगह डी क्रॉस सी ही चाहिए। या तो आप इसको चेंज कर लीजिए या इसको चेंज कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे है बी क्रॉस डी और यहाँ पे है डी क्रॉस बी। सो मैं इसको डी क्रॉस बी कर लू, डी क्रॉस बी करने के लिए यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा प्लस डी क्रॉस बी, बाकी की चीजें एज इट इज। सो अब ये माइनस ऑफ डी क्रॉस सी से प्लस डी क्रॉस सी कैंसिल, प्लस डी क्रॉस बी से माइनस डी क्रॉस बी कैंसिल, ये मेरा क्या आ गया, जीरो। तो मैंने प्रूव कर दिया दैट ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। सो दिस इंप्लाइज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो इफ एंड ओनली इफ आई एफ एफ इज इफ एंड ओनली इफ दोज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। ये प्रूव करना था कि वो पैरेलल हो, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन फोर्थ, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो, उसको डिवाइड कर दो टू से। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है, आपको तीन वर्टेस गिवन है। इससे सिंपल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, आपको सारी चीजें गिवन है, आपको सिर्फ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल के डिवाइडेड बाय टू। ए बी सी मुझे तीन पॉइंट्स गिवन है, इसके रिस्पेक्ट में मैं पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकती हूँ। लेट ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर। सो ए पॉइंट है, मेरे थ्री कोऑर्डिनेट्स है उसके, थ्री माइनस वन टू। सो ए वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा, थ्री माइनस वन टू मीन्स थ्री कहाँ पे है, एक्स एक्सिस का पॉइंट है, माइनस वन वाई एक्सिस का पॉइंट है और टू जेड एक्सिस का पॉइंट है। या आप कह सकते हैं एक्स से थ्री लेंथ है, वाई से नेगेटिव वाई एक्सिस में वन है और जेड टू लेंथ है। सो ए वेक्टर मेरा क्या होगा, थ्री आई कैप माइनस वन जे कैप प्लस टू के कैप। बी वेक्टर मेरा क्या होगा, वन आई कैप माइनस वन जे कैप प्लस माइनस थ्री के कैप। सी वेक्टर मेरा क्या होगा, फोर आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस वन के कैप। ठीक है, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है मेरा, अगर मैं एबीसीडी को पैरेललोग्राम लेती हूं तो एरिया क्या होगा उसका, बेस इनटू हाइट। हम ये ऑलरेडी जानते हैं, हम थ्योरी में देख चुके हैं, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, हाफ इंटू एरिया ऑफ ए बी इंटू ए सी। ये क्या है, मॉडुलस ऑफ ए बी इंटू ए सी। क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है कि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है डिवाइडेड बाय टू। इसके लिए आप थ्योरी रेफर कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। सो अब मुझे सबसे पहले तो ए बी और ए सी निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम ए बी वैक्टर निकालते हैं। ए बी वैक्टर का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और ए सी का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, सो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करो, आई माइनस थ्री आई, आई माइनस थ्री आई क्या होता है, माइनस टू आई, माइनस जे प्लस जे, ये तो कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, माइनस थ्री के, सो मैं जीरो लिख देती हूँ, जीरो जे,
माइनस थ्री के माइनस टू के क्या हो जाएगा माइनस फाइव के। अब ए सी निकालते हैं सी माइनस ए, सी माइनस ए करते हैं फोर आई माइनस थ्री आई क्या बन गया बच गया वन आई, माइनस थ्री जे प्लस जे क्या बन गया माइनस टू जे, प्लस के माइनस टू के क्या बन गया माइनस वन के। ठीक है, सो ए बी और ए सी मैंने फाइंड आउट कर ली, अब मुझे निकालना है ए बी क्रॉस ए सी और फिर उसका मॉडुलस लेके डिवाइडेड बाय टू। ए बी क्रॉस ए सी निकालने के लिए या तो आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो, बहुत लंबा हो जाएगा डेफिनेशन से जो आप निकालोगे, अदरवाइज मैंने आपको डिटर्मिनेंट से भी बताया था, सबसे ऊपर वाली लाइन में हमें लिखना होता है आई जे के यूनिट वेक्टर्स, फॉर इसमें ए बी के जो कोएफिशिएंट्स हैं क्या है ए बी के माइनस टू जीरो माइनस फाइव, माइनस टू जीरो माइनस फाइव, और ए सी के क्या है मेरे वन माइनस टू माइनस वन। सो इसका डिटर्मिनेंट मेरा आ गया माइनस टेन आए माइनस सेवन जे प्लस फोर के। डिटर्मिनेंट कैसे निकालना इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, यू कैन चेक ओवर देयर। अब मुझे क्या निकालना है मॉडुलस ऑफ दिस, मॉडुलस ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, सो वो क्या होगा अंडर रूट ऑफ माइनस टेन होल स्क्वायर माइनस सेवन होल स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर। सो ये मेरा क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 165। सो अगर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर इसमें निकालने को पूछा होता वो क्या होता है अंडर रूट ऑफ 165। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा हाफ ऑफ अंडर रूट 165। सो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, आर आपको गिवन है, आर वेक्टर क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आपको शो करना है आर क्रॉस आई डॉट आर क्रॉस जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स वाई है, ये आपको शो करना है। बहुत सिंपल है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है आर का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। सो आर क्रॉस आई निकालो, आर क्या है मेरा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्रॉस आई, सो ये क्या होगा मेरा एक्स आई क्रॉस आई प्लस वाई एक्स वाई जेड स्केलर्स हैं, जे क्रॉस आई प्लस जेड के क्रॉस आई, आई क्रॉस आई सेम का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है जीरो, क्योंकि कोप्लेनर सॉरी कोलिनियर या पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, सो आई क्रॉस आई मेरा क्या हो गया जीरो प्लस वाई एज इट इज जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई में तीसरा वाला बच गया वो लिख दो के बच गया, साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव वो देखते हैं, जे क्रॉस आई मीन्स जे से स्टार्ट करके आई से होते हुए के पे जाना है और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से थ्योरी में बताया हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट में, आप वहां से चेक कर सकते हैं, अदरवाइज शॉर्टकट आप यहाँ देख लीजिए मैंने आई जे के तीन यूनिट वेक्टर्स लिए हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो जे क्रॉस आई इक्वल्स टू के होता है प्लस के होगा या माइनस के होगा उसके लिए आपको क्या चेक करना है जे से स्टार्ट करना है फिर आई पे जाना है उसके बाद आपको के पे जाना है और डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज रही इट मीन्स साइन पॉजिटिव होगा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई इट मीन्स साइन नेगेटिव होगा। सो जे जे से आई पे फिर के पे जे टू आई टू के ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है उल्टी डायरेक्शन हो रही है इट मीन्स हमारा साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, सो जे क्रॉस आई क्या होता है माइनस ऑफ के प्लस जेड एज इट इज के क्रॉस आई, के क्रॉस आई में तीसरा क्या बच गया जे वो लिख लीजिए। अब साइन के लिए देखते हैं के से होते हुए आई से होते हुए जे पे जाना है के टू आई टू जे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ठीक है डायरेक्शन, सो साइन क्या रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, सो आर क्रॉस आई मेरा क्या हो गया माइनस वाई के कैप प्लस जेड जे कैप, अब मुझे क्या निकालना है आर क्रॉस जे, सो आर क्रॉस जे निकालते हैं, आर क्रॉस जे क्या होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्रॉस जे एक्स इंटू आई क्रॉस जे
प्लस वाई इंटू जे क्रॉस जे प्लस जेड इंटू के क्रॉस जे. आई क्रॉस सॉरी जे क्रॉस जे कैंसिल हो गया, सेम का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है हमेशा, प्रॉपर्टीज में देखा था हमने. अब एक्स स्केलर है, आई क्रॉस जे, तीसरा क्या बचा के, मैंने लिख दिया. साइन के लिए हम फिगर देखते हैं, आई से होते हुए जे से होते हुए के पे जाना है, आई जे के, ठीक है. डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा. प्लस जेड, के क्रॉस जे में क्या बच गया आई, वो लिख लीजिए. अब साइन के लिए देखते हैं, के टू जे टू आई, के टू जे टू आई, रिवर्स डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, तो साइन मेरा क्या आ जाएगा नेगेटिव, सो माइनस ऑफ दिस. अब क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है. सो डॉट प्रोडक्ट के लिए थोड़ा सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिख लेते हैं, आई जे के इक्वल्स टू, आई नहीं है तो मैं यहाँ पे जीरो आई लिख रही हूँ, प्लस जेड जे माइनस वाई के डॉट माइनस जेड आई प्लस जीरो जे प्लस एक्स के, ठीक है. यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट जीरो है इसलिए मैंने जीरो लिख दिया, यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट जीरो है इसलिए मैंने जीरो लिख दिया, ठीक है. डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ करते हैं, जे का जे के साथ करते हैं, के का के के साथ करते हैं, क्योंकि बाकी किसी के साथ करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट हमारा जीरो आता है. सो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, आई डॉट आई क्या होता है वन, सो आई डॉट आई वन हो गया. अब इनके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लो, जीरो इंटू माइनस जेड, जीरो किससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, ठीक है. तो आई वाला तो कैंसिल हो गया. अब जे का जे के साथ करो, जे डॉट जे क्या होता है मेरा वन, एंड जेड इंटू जीरो क्या हो गया जीरो, सो ये भी कैंसिल हो गया. के डॉट के क्या होता है मेरा वन. अब कोएफिशिएंट देखते हैं, माइनस वाई इंटू एक्स क्या बन गया माइनस वाई एक्स, और के डॉट के क्या हो गया वन, सो मेरा आ गया आर क्रॉस आई डॉट आर क्रॉस जे इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई, यही मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड. लास्ट सिक्स क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर्स, ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर्स है, इट मीन्स कि इन तीनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जीरो, ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, बी डॉट सी इक्वल्स टू जीरो एंड सी डॉट ए इक्वल्स टू जीरो. कभी भी वैक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका बीच का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, इसलिए ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट सी इक्वल्स टू सी डॉट ए इक्वल्स टू जीरो, ठीक है. और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर. सपोज करते हैं उसका मैग्नीट्यूड कोई नंबर ही आएगा, सपोज करते हैं वो नंबर लैम्डा है, लैम्डा कोई भी स्केलर नंबर है, ठीक है. आपको प्रूव करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विद वेक्टर्स ए बी सी, ये प्रूव करना है. ऑल्सो जो उनके बीच के एंगल्स है थीटा वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, वेक्टर्स के बीच का एंगल. सो अगर मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, हमें अगर प्रूव करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विद वेक्टर्स ए बी सी, इट मींस मुझे क्या शो करना है दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विद वेक्टर्स ए बी सी, मींस थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री अगर इन तीनों के बीच का एंगल है तो थीटा वन इक्वल्स टू थीटा टू इक्वल्स टू थीटा थ्री शो करना है. सो उसके लिए सबसे पहले मुझे मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकालना ज़रूरी है, जिसके लिए मैं सबसे पहले मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर निकालूंगी, देन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. हमें पता है मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स इंटू एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स वेक्टर है कोई, एक्स स्क्वायर क्या होता था मेरा एक्स इंटू एक्स होता था. सो अब देखो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इनके डॉट प्रोडक्ट ले लो, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा ए डॉट ए, ए का इसके साथ प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. अब बी का इसके साथ करो, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी. अब सी का करो इसके साथ, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी
प्लस सी डॉट सी, ठीक है। ए डॉट ए, देखो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए डॉट ए क्या हो गया, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। सो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे ए डॉट बी है, ये ए डॉट बी और ये बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, तो ये क्या बन गया ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। ए डॉट सी, ए डॉट सी है यहाँ पे सी डॉट ए है, सो ये क्या बन गया ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी, क्योंकि ए डॉट सी इक्वल्स टू सी डॉट ए होता है, प्लस b डॉट b इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या बन गया मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर, प्लस ये क्या है b डॉट c, ये क्या है c डॉट b, ये क्या हो गया ट्वाइस ऑफ b डॉट c, प्लस क्या बच गया c डॉट c, c डॉट c को मैं कैसे लिख सकती हूँ मॉडुलस ऑफ c होल स्क्वायर, सो मॉडुलस ऑफ c वेक्टर होल स्क्वायर। अब देखो a डॉट b इक्वल्स टू b डॉट c इक्वल्स टू c डॉट a इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, सो ये मेरा क्या बन गया मॉडुलस ऑफ ए होल स्क्वायर, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, क्या बच गया मेरे पास मॉडुलस ऑफ बी होल स्क्वायर मॉडुलस ऑफ सी होल स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ ए बी सी मैंने क्या लिखा है लैम्डा, सो ये मेरा क्या बन गया लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, सो ये क्या हो गया थ्री लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अगर मुझे मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये क्या है मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, मेरा आ गया 3 लैम्डा स्क्वायर, सो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 लैम्डा। अब हमने मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट 3 लैम्डा निकाल लिया, अब हम एंगल्स निकालेंगे थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 और उनको इक्वल शो करेंगे। Equally inclined means जो theta 1 angle है वो a plus b plus c to a के बीच का angle है, theta 2 अगर angle है a plus b plus c से b के बीच का, and theta 3 अगर angle है a plus b plus c to c के बीच का, तो हमें show करना है that theta 1 equals to theta 2 equals to theta 3, वो equally inclined का meaning होता है, and हमें theta 1 theta 2 theta 3 की values भी निकालनी है। Suppose A plus B plus C makes theta 1, theta 2, theta 3 angles with A, B, C respectively. Then, cos theta 1 मतलब theta 1 किसके बीच का एंगल है a plus b plus c का a वेक्टर के साथ, सो इसका क्या डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा a plus b plus c के साथ, और मैग्नीट्यूड क्या होगा a का मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ a plus b plus c, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करो a डॉट a प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैंने क्या लिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी क्या है लैम्डा, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी क्या निकाला था मैंने अंडर रूट 3 लैम्डा, क्योंकि ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है इसलिए मेरा ए डॉट बी बी डॉट सी और सी डॉट ए क्या हो गया जीरो, सो ये क्या हो जाएगा a डॉट b मेरा जीरो हो जाएगा a डॉट c जीरो हो जाएगा बाय गिवन कंडीशन, सो ये मैं हटा देती हूँ, सो मेरा क्या बच गया a डॉट a, a डॉट a का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर होल स्क्वायर, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या है लैम्डा मैंने सपोज किया है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ a की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ लैम्डा, सो लैम्डा होल स्क्वायर, सो ये क्या बन गया equals to 1 by under root 3, ठीक है, cos theta 1 क्या आ गया 1 by under root 3, similarly cos of theta 2 क्या होगा इसका b vector के साथ means v dot a plus b plus c
डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. सो ये क्या हो गया, बी डॉट ए जीरो होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. बी डॉट बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर. बी डॉट सी क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है, लैम्डा. इसका मैग्नीट्यूड क्या निकाला है मैंने, अंडर रूट ऑफ 3 लैम्डा. और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी मैंने क्या लिया है, लैम्डा, क्योंकि तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है. सो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा. सो ये क्या आ गया, 1 बाय अंडर रूट 3. सिमिलरली कॉस ऑफ थीटा 3 निकालेंगे, मींस थीटा 3 एंगल है ए प्लस बी प्लस सी का, किसके साथ, सी वेक्टर के साथ. सो सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. इसको सॉल्व करो सिमिलर लाइन्स पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट 3. सो कॉस थीटा 1 1 बाय अंडर रूट 3 आ गया, कॉस थीटा 2 1 बाय अंडर रूट 3 आ गया, कॉस थीटा 3 1 बाय अंडर रूट 3 आ गया. सो अब मैं थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 निकाल सकती हूँ. थीटा 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा 1 1 बाय अंडर रूट 3 है. सो थीटा 1 क्या हो गया मेरा, कॉस इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 3. थीटा 2, कॉस थीटा 2 मेरा क्या है, 1 बाय अंडर रूट 3. सो थीटा 2 क्या हो गया, कॉस इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 3. थीटा 3, कॉस थीटा 3 क्या है, 1 बाय अंडर रूट 3. सो थीटा 3 क्या हो गया, कॉस इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 3. सो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 की वैल्यूज इक्वल आ गई, थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा 3 आ गया. देयरफॉर वी कैन से दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद द वेक्टर्स ए बी सी. और एंगल की क्या वैल्यू आई है, कॉस इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 3, यही निकालना था हमें, यही हमें निकालने हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट इट मे हेल्प मेनी नीडी वंस. वी सपोर्ट फ्री एजुकेशन, डू यू?